लकी अली साहब, आप पीस लिविंग सिटीजन मतलब बंगाल के कन्वेनर हैं, और अभी आप लोगों ने बताया कि नाज़िया राय खान के खिलाफ आप लोगों ने FIR दर्ज करवाया है मुख्तलिफ थानों में, और आपने खुद एक भी करवाया है, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं, आइंदा का क्या लाया हमारा है, क्या स्ट्रेटेजी आपकी? अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो ये हम लोग आज प्रोग्राम फतेह हॉल में दिन में भी हम लोग न्यू मार्केट थाना में अपना डिमोशन जमा किए थे अंडरटेकिंग ऑफ डॉक्टर हुमायूं कबीर साहब, जो हमारे सरपंच बने हुए IPS ऑफिसर हैं, उनके अंडरटेकिंग में हम लोग गए थे न्यू मार्केट थाना में। जो फर्स्ट FIR हमारा न्यू मार्केट थाना में हुआ था, इसीलिए वहाँ के OC को हम लोग प्रेशर देने गए कि आप लोग ने क्या तक अभी तक किस तरह का एक्शन लिया है, इतने एक महीना होने का आया है आपको FIR हो चुका है, आप लोग का एक्शन कहाँ तक है। माशाल्लाह कम से कम 3 FIR हम लोग कंप्लीट हो चुका है, और भी सब बहुत सारे जगह में GD हो चुका है कंप्लीट करके, तो इसी तरह चलते रहेगा। आने वाला दिन में भी हम लोग जो है इसी तरह ये मुकाम ये हम लोग का जो काम है ये चलते रहेगा, और जिस तरह आप आज के भीड़ देखे फतेह हॉल में माशाल्लाह, तो मैं चाहूँगा आने वाले दिन में भी और सब भी जितने लोग जो आपके माध्यम से व्यूज जा रहा है उन लोग भी हम लोग के साथ जुड़े। ये देखिए सिर्फ कोई लकी अली, कमरान हुसैन या डॉक्टर हुमायूं कबीर का बात नहीं, ये पूरे कौम और मिल्लत की बात है। वो बोले अपने पर्सनल बात बोले, अपना पर्सनल राय निकाले, अपने पार्टी का राय निकाले, मगर किसी के हुजूर किसी का बरकत पे रिलीजियस मैटर में वो नहीं बोल सकते। उनसे भी मैं अगर वही सुनती होंगी, उनको अगर आवाज़ जाता होगा पता चलेगा, तो मैं गुजारिश करूँ कि नाज़िया जी आप सबसे पहले अपना नाम चेंज कीजिए। नाज़िया बोलने में भी आपको हम लोग को शर्म आता है, अगर आप बोलती हैं कि मैं मुसलमान हूँ तो सबसे पहले अपना आप नाम चेंज कीजिए। आप बोलते हैं मैं संतानी हूँ ये हूँ, तो आप पहले अपना नाम चेंज कर दीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा कि उसके बाद आप मुसलमान के बारे में बोलिएगा। तो आप ही सुन लीजिए हुजूर के बारे में जो जो बोला है, जो जो बोला है, जब जब बोला है, उसका हालत कभी भी ठीक नहीं हुआ, कभी भी वो सही रह नहीं पाई, जो आप भी इंशाल्लाह आने वाले दिन में आप भी नहीं रह पाएंगे। शुक्रिया। एक बात जो कि आपने अभी 3 FIR का जिक्र किया है, तो ज़रा वो FIR की कॉपी आप दिखाएंगे? आपको वो भेज देंगे, सब ब्लॉक्स है, मोबाइल में भी है, हार्ड कॉपी भी है, न्यू मार्केट थाना में, बड़ा बाजार थाना में, हावड़ा घोसरी में, तीनों जगह FIR हुआ है, बनिया पुकुर तिलजला गोपिया न्यू मार्केट आप कराया में, सब जगह GD हुआ है विद प्रोसेस के साथ। तो हम लोग पहले प्रोसेस करने मांग रहे हैं, हम लोग लॉ को तोड़ने नहीं मांग रहे हैं, लॉ को अपने हाथ में बहुत ही पीसफुल तरीका से जिस तरह होना चाहिए प्रोसेस के हिसाब से हम लोग अपना काम को बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। पहले लॉ को हम लोग फिराएँ, उसके बाद जब लास्ट मोमेंट जब तक हम लोग को इंसाफ अगर नहीं मिलती है, कोई आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, तब उस वक्त हम लोग कुछ प्रोटेस्ट के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो जरा मेहरबानी करके वो आप FIR की कॉपी श्योर मैं आपको अभी भेज देता हूँ, आप FIR की कॉपी आपको मिल जाएगी। नासिर खान साहब, नाज़िया इलाही खान के सिलसिले में आप लोगों ने FIR दर्ज किया है, कंप्लेंट किया, शिकायतनामा दर्ज किया है मुख्तलिफ थानों में, तो आपने भी अगर किया है तो इसके मतलब आप कुछ अपने तासरात पेश कीजिए कि आइंदा के लिए इसका क्या लाया अमल रहेगा होगा, और आपने क्या पीस लिविंग सिटीजन्स ऑफ बंगाल के तहत किया है या अपने तौर से किया है? आज हम लोग एक जगह यहाँ फतेह हॉल में जमा हुए हैं, इससे पहले हम लोग हावड़ा थाना, मैं हावड़ा से हूँ, हावड़ा थाना में शिकायत दर्ज किए थे, FIR दी गई, इसलिए कि हावड़ा थाना के ICE ने कहा कि हर जगह इसके लेकर FIR हो चुका है, तो आप शिकायत दर्ज कीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं ये मामला अगर बढ़ेगा तो फिर हम लोग सीनियर से बात करके इसे कानूनी हिसाब से अपना लेकर जाएंगे आगे। नाज़िया इलाही ये पहला बार नहीं, इससे पहले भी हर वक्त वो मुसलमानों को टारगेट करके हमेशा बेदार करने की कोशिश करते हैं, और मुसलमानों को टारगेट किया जाता है वो जो पार्टी से बिलोंग है, BJP पार्टी से, उस पार्टी में वोट उसी को मिलता है जो मुसलमान देश के संविधान के खिलाफ बोलेगा, जो मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा, जो देश को तोड़ने का बात करेगा वो BJP में एक नंबर में जाएगा। यही नाज़िया इलाही उसी को मद्देनजर रखते हुए हमेशा जनसंघ की बात करती है, और ये इस बात को इस तरह से बोली है वो, जो हर मुसलमान इससे खफा है, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर कौम के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर लोग धर्म गुरु के बारे में बोलने से हर लोग गुस्सा होते हैं,
हर लोग सभी है नाराज नाराज है, अपने नाराजगी को जाहिर करने के लिए आपने देखा यहाँ पे हर कौन के लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोग भी हैं और संविधान के दायरे में रह के हम लोग राजा इलाही को जवाब मुंह को जवाब देने का तैयारी में है।